बीजेपी की रांड कट जा ठीक है नी। इस बीजेपी की रांड कटन खातर मंत्री जी को बनाया था, जोंदर बबली जी को बनाया था, दुष्यंत चौटाला जी को बनाया था, लेकिन इन्होंने पता नहीं किस लालच में किस उसमें ये इनकी खट्टर की गोद में बैठ गए और हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। कोई हमारी आवाज को एक मंत्री ने भी विधानसभा में नहीं उठाया। मैं आशा वर्कर बहन सड़कों पे है, वो क्या मांग रही है, उनको कम से कम पूछ तो लो भाई आप क्यों बैठी हो, क्या आपकी मांग है, क्या आपकी मांग जायज है नजायज है, उसके बारे में डिस्कस करो। अगर हमारी मांगे नजायज है तो हमारे को ये कहो भी आप तो नजायज बैठी हो। 4000 में कोई किसी जल नहीं चलता, ये कह भी रहे हैं, अखबारों में भी छाप रहे हैं, कभी 19000 छाप देते हैं, कभी 9000 छाप देते हैं। अरे 9000 का तो तुम एक दिन में तेल भाड़ा हो, ये तो तुम्हारे हरियाणा की बेटिये हैं, तुम्हारी बहुएं हैं, तुम्हारी माता बहने हैं, कम से कम इनके बीच में आके ने इनका दर्द समझना चाहिए। इन तो तुम्हारे बोर्ड भी नजदीक है, कम से कम आई तो राम कर लो भाई। इनके बीच में तुमने पलने जाना भी है, अगर ये बने गांव में जाके ने प्लान बनाएगी, गांव के भाईचारा को इकट्ठा करेगी और तुम्हारी बेइज्जती करेगी, फिर वो काम अच्छा होगा क्या? हम तो मंत्रियों की इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, इतनी इज्जत करते हैं, गांव के भाईचारे को इकट्ठा कर दे भाई, हमारे गांव में मंत्री आए हैं, इतने चाचा कर के नारे लगाते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? रोड़ों पे धक्के, सिर्फ धक्के और तानाशाही रवि अपना के, और कहते हैं कभी तो कहते हैं इनके ये काट लो वो काट लो। अरे काटना हमारे पास है क्या? अब दे दिया 129 रुपये पर दिन मिलते हैं, अपनी दुकान पे अपने आप ही आगे भाई, हम आपको 4000 दे रहे हैं, 129 रुपये बनते हैं, आप 7 दिन के 129 के हिसाब से भरोगे, टूट के मर जाओ। ये सरकार जो ये कहती है हम ये देते हैं वो देते हैं और लास्ट में अपनी जुबान पे अपने आप ही गिर जाते हैं 129। हमें उन 129 रुपयों की भी जरूरत नहीं है, वो भी आपके आपके खजाने में डाल लो जो तुम्हारा बढ़ने मानदा हो, तो ये आशा 129 की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर आपने सोचना चाहिए भाई, इनकी मांग जायज है या नजायज है, इनको क्यों कौन सी दुश्मनाई बरत रहे हैं अपने साथ में, ऐसा क्या गुनाह कर दिया सरकार का? हमने काम करके दिया है, हमने वोट देके इनको बनाया है, काम करके ने दिया है, इनकी पीठ थपथपाई है, हमने कोरोना काल में भी इतना काम किया, हमारे बच्चे भूखे थे, हम खुद भूखी थी, घर वाले भी कहते थे तुम नौकरी छोड़ दो, ऐसी क्या करोगे नौकरी करके जिसमें आपकी जिंदगी दांव पर लग रही है, कोरोना हो जाएगी तो तुम मर जाएगी। लेकिन हमने फिर भी गया, हम वो फौजी है जो स्वास्थ्य विभाग में जैसे बॉर्डर पर फौजी लड़ते हैं पाकिस्तान वालों के या किसी के साथ लड़ाई होती है, तो आज के दिन हम फौजी हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में हम सबसे पहले फ्रंट लाइन में काम किया हमने, और हमारे को आज देख लो इतना बुरा नतीजा मिला है। ये बात बर्दाश्त नहीं होगी मंत्री, ये बात तो आपने उठानी ही होगी हमारी, अगर हमारी बात नजायज लगे उस टाइम हमारा डेलीगेशन से पूछ लेना भी आपने ये गलत मांगा है और ये सच्चाई है हमारी। तो अगर आप गांव में भी चर्चा करते हो, गांव वाले भी कहते हैं अगर आप बहनों को 40000 तनख्वाह भी दे देगी सरकार, वो भी कम है, गांव वालों को भी विश्वास है हमारे ऊपर, कोई उनकी एनसी नहीं करता, कोई भी एनसी नहीं करता, बच्चों की डेथ हो रही है, माताओं की डेथ हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, प्राइवेट बसों में डिलीवरी हो रही है, लेकिन इस सरकार में कोई सुध लेने वाला नहीं है कि महिलाओं की बस में डिलीवरी होगी, वो तुम्हारे हरियाणा की इज्जत है या तुम्हारे हरियाणा की बेइज्जती है, सुध लेने वाले नहीं है, सबको अपने अपने वोटों की लगी है। अरे बगलो, लेकिन हम भी ये चेताना चाहते हैं या तो वक्त रहते समझ जाओ, नहीं तो गांव में हम भी नहीं घुसने देंगे, जैसी हमारी इज्जत करोगे वैसी ही हम दुगनी इज्जत करके देंगे। पत्नी जी को हिमाचल देते हैं, अगर हमारी मांग आप उठाओगे तो दोबारा सत्ता में लाने का काम करेंगे, अगर नहीं तो हमारी आवाज उठाओगे तो हमने भी ठेका नहीं ले रखा भाई, आगे भी बहुत दुखी हो रही है। हाँ आशा बहने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा बहने जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं मिलते, हमने 3-3 दिन एक डॉक्टर भी पे लग जाते हैं।